एकादशी तिथि की अनिवार्य से करोगे मन मन करेगा एकादशी हम ध्यान नहीं जा रहे एकादशी व्रत भले ही कोई व्रत रखो और मत रखो लेकिन एकादशी व्रत आप लोग जरूर एकादशी व्रत रखना। आप देखना जैसे कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेटा हुआ है सालों सालों से पड़ा हुआ किसी तरह से सदगति नहीं होता है। आप किसी ब्राह्मण को आप बुलाओ बोले भैया इनकी जल्दी से जल्दी की उधार कैसे हो जाए आपको पता है कौन सा व्रत का नाम लिखा हो बोलो कौन सा व्रत करके नहीं बताया कोई व्रत का नाम नहीं बताएगा बोले भाई एकादशी व्रत करके इसका फल आप दे सकते हैं। मैंने एक नहीं हजार लोगों को हमने देखा। मैं विदेश जाता हूँ मैं नीदरलैंड गया था एक व्यक्ति दो साल से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था विदेश में उसका प्राण अटक गया था गले में। जब उनको पता चला भैया इंडिया से भैया संत आए तब मेरे को हॉस्पिटल में बुला करके ले गए बोले बाबा ये दो साल से पड़े हुए शरीर में केवल हड्डी हड्डी रह गया और गला में प्राण अटक रहा है इतने पानी जैसे पैसा खर्चा हो रहा आप बताओ इनकी गति चलती चलती गई। इतने एकादशी की महिमा इसलिए पृथ्वी के जितने आप सौ मंगल बृहस्पति जितने आप व्रत रखते हो एक तराजू लेकर के एक तरफ रख लो और दूसरे तरफ में एकादशी का व्रत रख लोगे ना ये सारे जितने व्रत सबके सौभाग्य हो जाएगी। इसलिए भागवत में ये सोमवार मंगलवार कोई व्रत का नाम नहीं है जैसे नवरात्रि रखते हो ये भागवत में सो व्रत का नाम नहीं है। भागवत में केवल एक एकादशी कथा आती है जिसको श्री अम्बरीश महाराज करते थे जिसको हमारे श्री नंद जसोदा रखते थे ये एकादशी व्रत को। लेकिन कुछ कुछ लोगों का मन में भ्रम है बोले क्या भ्रम है बोले इसको तो विधवा रखती है जो बुढ़ा बुढ़ी हो गए वही रखते सदवा थोड़ी रखती है। अब भागवत पढ़ करके देखो क्या मैया जसोदा विधवा थी कि अम्बरीश महाराज का पत्नी विधवा थी। आज जो सबसे जो बड़ी एकादशी बताओ तो कौन सा एकादशी सबसे बड़ी है कौन बोलेगा बोलो सबसे बड़ी कौन सा एकादशी है साल में एक बार आती है बताओ तो ये निर्जला ये पांडवा निर्जला एकादशी है जिसको पांडव लोग अपना द्रौपदी को साथ में ये एकादशी व्रत रखती थी है ये एकादशी व्रत रखती थी इतने महिमा। इसलिए एकादशी का दिन अर्न में गोहत्या नर हत्या ब्रह्म हत्या भ्रूणो हत्या और पिता माता की हत्या ये सबसे जो बड़े पाप पांच पाप बताए वो एकादशी का दिन अर्न में ये सब के सब अर्न में रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति एकादशी का दिन अर्न भोजन करेगा उसको सारे पाप भुगतना पड़ेगा। लेकिन और एक मुश्किल बोले क्या है लोग कहते उद्यापना करनी चाहिए क्या करनी चाहिए उद्यापना नहीं हमारे भागवत में कोई उद्यापन का बात वहाँ है ही नहीं कोई उद्यापन का बात नहीं है वहां पर बताया 8 साल से लेकर के आप 80 साल तक व्रत रख सकते हो है ये नियम है। इसलिए जितना तुम्हारे शरीर में समर्थ है जितना दिन तक उतना दिन तक एकादशी व्रत रखो अगर आप बीच में कहीं छूट जाएगी ना आपको उसमें पाप नहीं लगेगा। इसलिए उद्यापना करके हमारे भागवत में उद्यापना का कोई बात नहीं जब तक समर्थ तब तक ये एकादशी व्रत को आप रखना ठीक है ना। इसलिए अब शास्त्र पढ़कर देखो एक समय राजा और एक रानी थी किसी कारण से उनका अंदर में झगड़ा हो गई तो आप लोग देखना अगर घर में झगड़ा करती हो फिर तुम होती कि नहीं घर में झगड़ा अगर झगड़ा हो गया ना देखना 2-3 दिन तक एकादशी पूरा निर्जला एकादशी चलता है हैं वैसे तो एकादशी नहीं रखे हुए। इसलिए उनको पता नहीं था कि ऐसे पति पत्नी में एकादशी पता नहीं था लड़ाई हो गया पति ने कहा मैं आज खाना ही नहीं खाऊंगा पत्नी बोली मैं बनाऊंगी तब तक तू खाओगे आज तो मैं बनाऊंगी नहीं ऐसे झगड़ा करके उस दिन उन्होंने व्रत पूरा निर्जला व्रत रह गया। उसका फल क्या हुआ जानते हो अगले जीवन में राजा रानी बनकर जन्म ग्रहण किए अनजान में भी एकादशी व्रत रखने पर इतने महिमा। इसलिए ठीक है ना एकादशी व्रत जरूर रखियो और दूसरे दिन टाइम से व्रत खोल देना। एकादशी व्रत का दिन आप लोग को पता है जैसे नवरात्रि होता है ना नवरात्रि में जैसे फलाहार करके रखते हो आलू खा करके उपटुका पकौड़ी बना सकते हो और खीर भी बना सकते हो मखाना की खाने के लिए तो बहुत सारी चीजें जितने दूध दही फल मूल
बढ़िया बढ़िया खा सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करना 12 बजे तक, दिन 12 बजे तक कुछ नहीं लेने के लिए, उसको बाद में ले सकते हो। लेकिन अगर कोई बीमारी, कोई बोलेगा हम तो एकादशी व्रत रख नहीं सकते क्योंकि हम बीमारी, अगर बीमारी होना उस दिन तक खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केवल अन्न ही मत खाया करो, 2 बारी भी खा लो, 3 बार भी खा लो, अगर बीमारी 4 बारी भी खा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अन्न मत खाया करो, इतना चीज को केवल ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए आप लोग जरूर एकादशी व्रत रखो, एकादशी व्रत जो करेगा है कभी वो नरक नहीं जाएगा, भागवत चेता है वो व्यक्ति कभी नरक नहीं जाएगा जो एकादशी व्रत को रखेगा। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, घर जोर से बोलो हरे। हाँ देखो, आज हम लोग का बहुत बहुत अच्छा दिन है क्योंकि प्रभु का नाम क्या, उपदेश, उपदेश जी अपना घर में उन्होंने सत्संग रखवाए और हम सबको उन्होंने बुलाए और उन्होंने हमें भगवान कीर्तन और सत्संग की उन्होंने हमें सुजग प्रदान किया है। इसलिए शंकर जी पार्वती को ये बात कहते, बोले पार्वती जगत में सब चीज की सुलभता है पार्वती, लेकिन पार्वती जगत में एक चीज बड़ी दुर्लभता है। तब माता पार्वती प्रश्न करती, बोले प्रभु जगत में किस चीज की सुलभ है। देखो शंकर स्वयं कहते, शंकर जी कौन है, देवदेव महादेव, जोगी जोगी महाजोगी, सत्यम शिवम सुंदरम शंकर जी। ये शंकर जी पार्वती को स्वयं कहते, पार्वती बोले सत्संगती दुर्लभ संसारा, पीछे पीछे बोलो सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमि सत्संग भर एक बारा, निमि सत्संग भर एक पार्वती जगत में जो सत्संग है पार्वती, ये जगत में बड़ा बड़ा दुर्लभ है। कहते अति हरि कृपा जा पर होई पाव ते ही संगत सोई पार्वती, जिसको ऊपर में भगवान की डायरेक्ट कृपा हो जाए पार्वती, उसको ही जीवन में ये सत्संग होता है, नहीं तो साधारण भाग्य से सत्संग नहीं मिलती है। अगर जीवन में तुम्हें सत्संग मिल गया ना, समझो हमारा बेड़ा पार, हमारे बेड़ा पार है। इसलिए जब हनुमान जी को साथ में श्री विभीषण का साक्षात्कार हुआ, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है, भगवान राम की ये अत्यंत प्रिय भक्त श्री हनुमत लाल, तब विभीषण क्या कहता है, आज मैं भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, जो रघुवीर मैं अनुग्रह की तो मई तरस, लगता है आज मेरे ऊपर में भगवान राम का कोई कृपा हो गया, तभी आज हमें ये संतों का दर्शन मिला। हनुमान भगवान के राम प्यारे भक्त है, जब राम मिल गए हमें, जब हनुमान मिल गए मतलब राम मिलने में कोई बाकी नहीं। इसलिए विभीषण ने इतने में विभीषण हनुमान जी को कहा, देख विभीषण, देख हनुमान, तू मेरे लिए एक काम कर, तेरे लिए मैं एक काम कर देता हूँ। तब हनुमान जी ने पूछा, बताओ क्या काम करना, बोले तेरे पास में बाप है, मेरे पास में माँ है। हनुमान के पास में कौन था, कौन बोलो, तेरे पास में बाप मतलब भगवान राम, अरे मेरे पास में लंका में कौन है, माँ, कौन है, माँ सीता, माँ सीता अशोक वाटिका में। बोले तू मेरा काम कर दे, मैं तेरा काम कर दूंगा, बस काम बन जाएगा, जब पिता माता दोनों मिलेगी तब तक काम बनेगा ना।
इसलिए एक क्या काम करो, मैं तेरे को सीता जी को साथ में मिला देता हूँ, जा अस्तों को बाटी का सीता जी के मिल ले, लेकिन तेरा काम बाकी रह गया। बोले क्या? बोले मेरे से बाप से मिलाना, मेरे को बाप से मिलाना। जब जिस समय विभीषण रावण को समझाने के लिए गया, बोले देख हम उलस्त के बंसत रहे, पराई स्त्रियों को उठा करके लेना ये हमारे धर्म है, ये सीता जगत जननी माँ जगत जननी है, इसलिए जाओ तुम इसको किसको दे दो, तुम भैया ये जो लाइट ही है ना इसको बार बार चेंज मत करो, जहां से लाइट आ रही है एक बार लाइट के लिए आकर रख दो, ये लाइट आ रही है और जा रही है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, इसलिए बोले जब ये बात समझाने के लिए गया विभीषण किसको, रावण को, रावण बोला मेरे को समझाने के लिए आए छोटे भैया होकर के, एक लात मारी, लात मारी तो उसने लुढ़कते लुढ़कते नीचे जाकर गिरा, अपना राज मुकुट रावण को पैर पर नीचे रख दिया, चरण को नीचे, और राम की शरण में आया। जब आया बंदरों ने पूछा भैया तू कौन हो, बोले रावण का छोटा रस्सी में बांध बूंद करके लेकर के आए राम के पास में। जब आए इतने में देखा हनुमान जी बैठा हुआ, इसको देख कर इसका कलर ऊंचा हो गया, क्यों? देखा यहाँ पर मेरे को जान परिचित व्यक्ति है, जो हमारी जान परिचित हनुमान जी। हनुमान बोले विभीषण तू कैसे हो, बोले एकदम बात मत करो, बोले क्यों? बोले तू आया था तेरे को मैंने माँ से मिला दिया था, तूने वायदा किया कर था बाप से मिलाने मिलाने के लिए, देखो ये बंदर लोग मेरे को बांध कर कैसे लाए, ये लोग हमें बांध करके कैसे लाए। विभीषण ने पूछा, हनुमान ने पूछा ये बताओ तू अपना परिचय क्या दिया था, बोले मैंने अपना परिचय दिया था मैं रावण का छोटा भैया, बोले तेरे को तभी तो बांध करके लाए, तुमने पहले ही गलती तुमने पहले कर दिया, रावण भगवान की राम का शत्रु, अगर बोले को छोटा भैया तेरे को क्या स्वागत करके लाए, तभी तो बांध करके लाए, अगर इतना तू बोल देता हनुमान का मैं प्यारा बंधु हूँ, हनुमान का मैं दोस्त हूँ, तेरे को स्वागत करके ले आता। इसका मतलब क्या है? अगर हम परिचय दे, हम संतों के सेवक के सेवक, दासों के दास, फिर तो हमें भगवान आसानी से ठाकुर जी मिल जाएंगे, हैं? इसलिए आज समझो हम लोगों का बड़े सौभाग्यवान, हमें आज यहाँ सत्संग मिला है, हम संतों के मुंह से भगवान की कथा सुन रहे हैं। यहाँ पर प्रभु जी ने कुछ प्रश्न बोले कि कुछ बात को इनको बताओ, बोले प्रश्न होता है हम पूजा करते तो किसको पूजा करें, भगवान है को जगत में तो बहुत सारे भगवान कह रहे हैं, हम भगवान ये भगवान अमुक भगवान अमुक भगवान, कभी कभी हम लोग भ्रम इसी विषय पर हम भ्रमित हैं, लेकिन अभी पूजा करनी चाहिए तो किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा करने से हमें संसार से उधार मिलेगा, हैं? किसको भक्ति करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर 33 करोड़ देवता, हर भारत में 33 करोड़ देवता है, 33 करोड़ देवता है ना, जब सोमवार होता है किसको पूजा करते हो, भोले बाबा को, मंगलवार आए तो किसको पूजा करते हो, हनुमान जी को, बुधवार आए तो किसको पूजा करते हो, गणेश जी को, बृहस्पतिवार आए तो किस कहाँ जाते हो, लक्ष्मी जी को पास में, शनिवार आए तो किसको पास जाते हो, शनि देवता को, अभी तो सबके सब अलग 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 देवादेवी को पूजा करते हो, हैं? लेकिन आप भगवत गीता को आप अगर पढ़ोगे ना, कभी गीता पढ़े हो, कौन कौन गीता पढ़े, हाथ उठाओ तो कोई कौन कौन गीता पढ़े, तो गीता तो पढ़ी ही नहीं भगवान कृष्ण से बच्चा को बताऊँ, एक भैया ने हाथ उठाया, दूसरे माता जी ने हाथ उठाया, जरूर गीता पढ़ा करो, हम लोग हिंदू है ना, कौन है हम लोग, बोला आप लोग कौन हो बताओ, हिंदू है ना, तब जैसे क्रिश्चियन का मूल ग्रंथ कौन है, बाइबल, मुसलमान का मूल ग्रंथ कौन है, कुरान, और हिंदुओं का मूल ग्रंथ क्या है, गीता है। आप किसी भी मुसलमान बच्चे को व्यक्ति को पूछ लो कुरान तेरे को आता है, झटा झट बोलेगा, छोटे बच्चे को पूछ लो, मैंने एक बार गया था जयपुर में कथा करने के लिए, देखा 10 साल का बच्चा पतंग उड़ा रहा था, मैंने पूछा भैया तेरा नाम क्या है, बोले जो नाम बोला पता चला तो मुसलमान का छोरा है, मैंने कहा तेरे को पुराना आता है, वो छाती फुला कर बोला हाँ मेरे पुराना आती है, बोले मैंने सुना छोटा छोटा पुराना शुरू कर दिया, मैंने कहा भैया तुम्हारे धर्म में कितने उम्र से ये पुराना पढ़ाना शुरू करते हैं,
भले हमारे मुसलमान धर्म में कंपल्सरी जब बच्चे को 2 साल होगा वो कुरान पढ़ना ही उसको पड़ेगा। अब किसी बच्चे को जो अब आपको तो पता होगा शुक्रवार को ना छोटे छोटे बच्चे को टोपी पहना करके मेन रोड को जाम कर देते कि नहीं। हिंदू हमें बताओ तो कौन ऐसे कि हिंदू है जो बोलता है अपना बच्चों की तरह रामायण पढ़ो? कौन ऐसे हिंदू बोलता है? स्मार्टफोन पकड़ा करते हैं लेकिन कभी बोलते नहीं जिसमें जीवन बिगड़ जाए ना। पबजी दिन भर देखे उल्टा पुल्टा क्या उसमें करते रहे लेकिन कभी हम हिंदू होकर के कभी बच्चे को नहीं कहते तो गीता रामायण पढ़ो। इसलिए एक समय हमारे बड़े गुरु जी के पास में किसी ने आया बोले गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते घर घर कहाँ बच्चे बात नहीं सुनते। गुरु जी ने कहा बेटा रामायण पढ़े हो? बोले नहीं। बोले बच्चे को कभी बोला रामायण पढ़? बोले नहीं। बोले जो पढ़ेगा नहीं जो पढ़ाएगा नहीं तो उसको दही दुर्गति मिलेगा? कहाँ पर बताया पिता माता की सबर भूल करके चरण छो पिता माता के चरण सेवा कर कहाँ पर बताया गया? रामायण में बताया। कहते ना प्रात भूठ ही रघुनाथा हर मात पीत गुरु नमई माथा। ठाकुर जी सबसे पहले उठ करके पिता माता के चरण छूते थे। बताओ यहाँ पर कितने लोग जो सबरे उठ करके पिता माता के चरण छूते? क्यों कारण क्या? बोले कारण रामायण नहीं पढ़ते कभी बच्चों को बोलते नहीं तो रामायण पढ़ कभी उसको बोलते नहीं स्मार्टफोन देते हैं बोले ले स्मार्टफोन ले हैं इसको ही देखते रहे फिर हमारे संस्कार कैसे बनेगा? अगर गीता अभी मैंने पूछा गीता पढ़े हो? गीता पढ़ी ही नहीं। जब गीता पढ़ेगा नहीं भगवान को पता कैसे चलेगा भगवान कौन है? अब कहना जब अर्जुन बोलता है ना कहते अर्जुन उवाच अर्जुन कह रहा है। जब संजय बोलता है कहते ये संजय उवाच ये संजय कह रहा है। लेकिन जब भगवान कृष्ण बोलते हैं ना वहाँ नहीं कहता है कृष्ण उवाच नहीं कहता है बोले भगवान उवाच कौन कह रहा है? किसको बोल रहे? भगवान उवाच भगवान कह रहे हैं। इसलिए अब देखना भगवान जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहे थे तब इतने में कृष्ण ने क्या किया अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को दिखाया ना विराट रूप देखे कि नहीं? ये कृष्ण के सिवाय और कोई विराट रूप दिखाया क्या? बोले हे अर्जुन देख मैं कौन हूँ। तो उन्होंने उदाहरण देते हैं मई सर्वविदम वृत्तम सूत्रे मणिगणा ही वो उन्होंने एक उदाहरण दिया जिसे माला है ना माला दिख रहे हो आपको फूल ही फूल दिखता है धागा दिख रहा है लेकिन ये धागा है इसलिए फूल माला बनी। अगर धागा को तोड़ दो तो ये माला बन सकता है नहीं बन सकता है धागा। कहते उसी तरह है और जो हनुमान कहते देखो हनुमान मेरे में जिसको तुम इंद्र चंद्र वायु वरुण कहते हो ये 33 करोड़ देवता अर्जुन देख ये विश्व ब्रह्मांड मेरे में। इसलिए कृष्ण कहते हे अर्जुन मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् धनंजय हे अर्जुन मुझको छोड़ करके विश्व ब्रह्मांड में कुछ नहीं। तो कहते ना युद्ध नहीं करोगे तू क्या युद्ध करोगे पहले इनको सब मार कर रखा है केवल तो निमित्त मात्र हो तो कुछ करोगे नहीं सब करना अगर कहते ना उसको इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है। इसलिए कृष्ण लास्ट में क्या कहते हैं अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हे अर्जुन तो सब छोड़ कर मेरे शरण में आ जा तेरे को सारे पाप से मैं मुक्त करूंगा इसलिए अंतिम श्लोक में कहते हैं मन मना भव के मन और किसको मत दिया भगवान मना करते हैं मन और किसी को मत दो मन केवल मुझे दो मत भक्त भव और किसका भक्त मत बनो मना कर देते हैं भगवान और किसी की भक्त मत बनो भक्त बनो तो मत भक्त मेरा ही भक्त बनो बोले माम जाजी बोले पूजा किसको करेंगे कृष्ण कहते हैं माम जाजी मेरे पूजा करो बोले नमस्कार किसको करेंगे बोले माम नमस्कुरु अर्जुन तू मेरे को नमस्कार करो। तो अर्जुन ने पूछा बोले प्रभु तुम कहते तेरी पूजा करो तेरे नाम करो तेरे भक्ति करो करने से क्या मिलेगा? देखो अच्छी तरह समझ लो कहते अब्रह्म भुवना लोकात पुनरावर्तिन अर्जुन हे अर्जुन अगर तुम पुण्य कर्म करते हुए तुम ब्रह्म लोक तक भी अगर चले जाओगे ना खिन्न पुण्यम वर्तलोक विसरती जब तुम्हारी पुण्य खत्म हो जाएगा फिर यही करोगे फिर इसी माया संसार में केवल तुम गाना पड़ेगा फिर वही दुख कष्ट को भोग करना पड़ेगा। लेकिन माँ उपद्रव तो भक्त या पुनर्जन्म न विद्यते जब तक तुम मेरे को प्रार्थना नहीं करोगे तब तक ये जन्म मृत्यु का चक्र में भटकते रहोगे लेकिन जब केवल तुम मुझे प्राप्त करोगे फिर तुम्हारी पुनर्जन्म नहीं होगा।
इसलिए आप देखना, आप तो हिंदू लोग हैं, जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, आप लोगों ने सुना हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? बोलो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं अंतिम समय? बोलो जोर से, यही बोलते ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम हरि का नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात छोटा, यही बोलते ना अंतिम समय में क्या सुनाते। इस चीज को ध्यान रखो, क्या जितने तुमने राम और कृष्ण का नाम लिया ना, केवल वही सच्चा, इसके सिवाय तुमने जो कुछ तुमने किए हो सब झूठे में तुमने जीवन बिताया, सब कोई बात झूठा है। केवल राम कृष्ण को छोड़कर जो कुछ किए हो तुमने केवल झूठे में अपना जीवन बिताया। कहते हैं सत्य बोल गत्य है, अगर कृष्ण राम का नाम लिया ना तभी तेरे अगर गति, नहीं तो कोई तुम्हारी गति नहीं, कोई गति नहीं। इसलिए पूजा करने तो किसको पूजा करनी चाहिए? भगवान कृष्ण को पूजा करो, हमारे देवता भगवान राम को भक्ति करो, ठीक है ना। इसलिए जो हरे कृष्ण नाम करते हैं ना, इसमें हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें सारे नाम आ जाती है, हरे कृष्ण राम सबका नाम ये महामंत्र में आ जाती है, ठीक है ना। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दूसरा प्रश्न है, देखो चीज को कोशिश करो समझने के लिए, कोई कहते भगवान तो निराकार, भगवान क्या है? बोलो जोर से, कोई कहते ना भगवान निराकार है, उसका तो कोई आकार नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन हमारे किसी ग्रंथ में भगवान को निराकार नहीं है। किसको? किसी ग्रंथ में आप अगर क्रिश्चियन का ग्रंथ बाइबल पढ़ोगे ना, बाइबल पढ़कर देखो, वहां पर बाइबल में लिखा हुआ है गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, ये बाइबल की कथा है। मतलब भगवान ने अपना जैसे सूरत उन्होंने निशान को दिया है, बाइबल कहता है। अब पुराने पढ़ा मुसलमान का ग्रंथ, मुसलमान का ग्रंथ में वहां पर बताया है, बोले अल्लाह ने अपना जैसे सूरत इंसान को दिया है। हमारे भगवत गीता पढ़ो, गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, बोले ममई वांस जीव लोके जीव भूत सनातन, गीता के श्लोक। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जगत में जितने जीव है ना सब मेरे बच्चे, इसलिए हम कहते ना तुम्हें वो माता च, जोर से बोलो तुम्हें वो माता च, पिता तुम्हें वो, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें वो, तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें वो, तुम्हें सर्वम, हम कहते ना कृष्ण ही कौन है, ये गीता में गीता गीता की कृष्ण गीता में ही बात कह रहे हैं। हे अर्जुन, ये गीता का श्लोक है, पिता अहम अस्य जगत धाता माता पिता, मतलब ये जगत का पिता माता मैं हूँ, इसलिए तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें। आप जो इतने यहाँ पर जितने लोग बैठे हो, आप लोगों का पिता माता है कि नहीं, आप बताओ तो किसका किसका पिता माता है, हाथ उठाओ। सबका पिता माता है, सबका पिता माता है ना, तभी तो हम आए। अगर तुम्हारी पिता माता नहीं होते तुम जगत में आते? अच्छी तरह समझे ये चीज को, कोई भी भगवान को निराकार कहते हैं ना, अगर तुम्हारी पिता माता नहीं होते तो तुम क्या आते? इसलिए देखना हम कब कब कहते ना, देखो ये बच्चे को शरीर में इसकी माँ की सूरत आ गई, कभी बोलते हैं ना इसकी अंदर में देखो इसका पिता की जैसे चेहरा, उसका नाक देखो उसको पिता जैसे, बोले उसका अंगुल देखो उसको दादा की जैसे, कभी बोलते हैं ना। अब देखना पिता माता का चेहरा दोनों मिलकर बच्चे को आता है, आता कि नहीं, देखे कि नहीं। इसलिए जैसे हमारे पिता कौन है, भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, इसलिए देखो भगवान राम और कृष्ण का मूर्ति लो, उसको साथ में मिलाओ, देखना राम का जैसे नाक हमारी से नाक है कि नहीं, राम के कितने हाथ हैं, कृष्ण के कितने हाथ हैं, दो हाथ है ना, हमारे कितने हाथ हैं, दो हाथ हैं, भगवान का कितना दांत है, 32 दांत, हमारे 32 दांत है, भगवान की दो प्यार, हमारे कितना प्यार है, कितने प्यार है, दो प्यार है ना, हमारे पिता माता तभी जैसे तुम आए ना। इसलिए भगवान निराकार नहीं, भगवान निराकार उतना हम कहां से आ जाते, कहीं ये बात नहीं बताया भगवान निराकार है,
हर जगह में बताया भगवान साकार है, साकार है। हनुमान जी साकार है कि नहीं, देवी साकार है कि नहीं, भगवान शंकर जी साकार ना निराकार बोलो। कोई कोई कहते ना नहीं वो तो निराकार थे और निराकार से साकार हो गए। और जब कुछ नहीं था तब तो आएगा कहाँ से, कुछ हो तभी तो कहीं आएगा ना। अगर जब कुछ नहीं आएगा कहाँ से, कहीं कुछ होगा तभी तो आएगा ना, नहीं तो आएगा कहाँ से। इसलिए हमारे भागवत में है, भागवत सुने हो, कौन कौन भागवत सुने हो, हाथ उठा तो कौन कौन भागवत कथा सुने। गाँव में कोई भागवत कथा हुई नहीं, हुई है। एक बार हम यहाँ कोशिश करेंगे हमारे गाँव में भागवत कथा करने की, ठीक है। एक बार भागवत कथा करेंगे, वहाँ पर भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुए। भगवान ब्रह्मा को आदेश देते हैं कि सृष्टि का क्रम बढ़ाओ। तब ब्रह्मा जी ने मनु और सतरूपा को सृष्टि किए, उनसे पांच बच्चे हुए हैं, दो बेटे और तीन बेटी हुई, आकुति देहूति प्रसूति उत्थान पात और प्रिय व्रत। ये मनु महाराज से हुए हैं, इसलिए हमको कहते हैं मानव। क्यों? हम मनु महाराज से हुए हैं, इसलिए हमारे भारत में देखना ना सबका अलग अलग गोत्र है। लेकिन ही गोत्र बता, तुम्हारी गोत्र क्या है भैया? गोत्र उज्जवल है, नहीं बता, तुम पता नहीं बताओ तो गोत्र क्या है? वशिष्ठ। तुम्हारी पहचान वशिष्ठ भैया, वशिष्ठ बताओ। जब ब्रह्मा जी ने उन्होंने 10 संतान को उन्होंने सृष्टि किया है, 10 संतान को सृष्टि किया, वशिष्ठ 10 पुत्र को, हम जिनकी परंपरा में से आए ना, इसलिए हम वही गोत्र कहते हैं। वशिष्ठ गोत्र कोई पराशर गोत्र कोई व्यास गोत्र कहते ना, हम इसी गोत्र के। कहा गोत्र कहाँ से आया है? ये ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया 10 बच्चों को, जिसकी परंपरा में हम आए हैं, हम उसके परिचय देते हैं। इसलिए भगवान निराकार नहीं है, भगवान कौन है? साकार है। भगवान हमारे राम निराकार ना साकार है, साकार है ना। भगवान कृष्ण साकार ना, तब तो लीला किया। अगर निराकार होते कहाँ से लीला करते? अगर तुम भी अगर निराकार होती यहाँ कहाँ से बैठती? बैठती नहीं। इसलिए कुछ लोग ऐसे आ करके ना हमारे सनातन धर्म में लोगों को भ्रमित कर देते हैं, बोले वो तो निराकार है, निराकार से साकार आ गया। अरे निराकार से आएगा कैसे? आएगा कैसे? जहाँ 100 रुपया होगा 10 रुपया 20 रुपया तो ला सकते हो, जहाँ पर कुछ है ही नहीं आएगा कहाँ से। इसलिए हमारे कृष्ण राम नारायण निराकार नहीं, ये सबके सब साकार है, सबके सब ये साकार सुंदर भगवान कृष्ण। तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल लाए ना, देखा ना सब लड्डू गोपाल लाए हो, हमारे कन्हैया लाए हो। इसलिए इन लोगों का चक्कर में मत पड़ा करो, आप भागवत पढ़ो, आप पुराणों को पढ़ो। कहते भगवान को जो निराकार कहते हो पाखंडी उनको बताया, वहाँ श्लोक पढ़ कर देखो। कृष्ण गीता में कहते हैं, इस गीता का श्लोक तेसाम अव्यक्त चेतसाम अव्यक्तम ही गतिर दुख, कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति मेरे को निराकार करते जीवन में दुख दुख में भोगना पड़ता। मैं नहीं कह रहा हूँ, कृष्ण गीता में ये बात कह रहे हैं। गीता का जो उपदेश देते हैं कृष्ण, अपना छाती पर हाथ रखकर कहते हैं जगत का सृष्टि करता मैं हूँ, विश्व ब्रह्मांड मैंने बनाया, देख अर्जुन विश्व ब्रह्मांड मेरे में। इसलिए भगवान निराकार नहीं, भगवान कौन है? साकार है, ठीक है ना। हम लोग सनातन धर्मी हैं, हम हिंदू धर्मी हैं, हम सब के सब। ये दूसरे दूसरे मुसलमान क्रिश्चियन मंदिर में कुछ नहीं है भगवान भगवान, लेकिन हमारे भगवान में देखो मथुरा गए हो वृंदावन, कौन कौन वृंदावन गए, बाकी बिहार को देखे कि नहीं, जन्म स्थान में गए कि नहीं, अयोध्या कौन कौन गए हो, तो भगवान राम है कि नहीं वहां पर, पता हमारे भगवान कौन सा मंदिर भगवान नहीं। ये क्रिश्चियन मुसलमान का धर्म में इसको निराकार मानते, लेकिन हमारे धर्म में निराकार नहीं मानते। हमारे धर्म हिंदू धर्म में सनातन धर्म में भगवान साकार है, ठीक है ना। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो, हरे जान के और पानी पियो छान के। गुरु करनी चाहिए, शास्त्र कहता है कहते बिनु गुरु, स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई जो प्रीति संकट सम। गोस्वामी जी कहते हैं जब तक जीवन में कोई सद्गुरु ग्रहण नहीं करते हैं तब तक ही भव सागर से पार नहीं हो सकते।
कहते ब्रह्मा शंकर जी होने पर भी अगर कोई सदगुरु ग्रहण नहीं करता है, गोस्वामी जी कहते भव सागर से वो पार नहीं हो सकता। लेकिन कहते गुरु तो करनी चाहिए, लेकिन गुरु कर जान। कहते भैया गुरु कहाँ से करनी चाहिए? देखो मैं नहीं कहता हूँ, ये पद्म पुराण कहता है। कहते संप्रदाय विहीना जे मंत्र स्ते विफला मत। अगर कलयुग में हमें गुरु करना तो बोले चार वैष्णव संप्रदाय, एक श्री संप्रदाय जिसमें लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, एक ब्रह्म संप्रदाय जिसमें राधा कृष्ण की पूजा होती है, एक निवार्ग संप्रदाय जिसमें राधा कृष्ण की पूजा होती है, एक विष्णु स्वामी जहाँ पर कृष्ण रुक्मिणी और भगवान नरसिंह देव का पूजा होता है, जहाँ पर बाल जो बाल गोपाल लाए ना, ये जो कलयुग कृष्ण को लाए हो, कहते ये कृष्ण की वहां पर पूजा होती है, भगवानी कृष्ण की पूजा होती है। इसलिए शास्त्र में बताया अगर हमें कहीं गुरु ग्रहण करना है तो बोले कहाँ से गुरु ग्रहण करनी चाहिए? कहते जो चार जो वैष्णव संप्रदाय, कहते जो चार वैष्णव संप्रदाय ये सत्य युग से, ये कलयुग में प्रकट नहीं हुई, ये सत्य युग से ये परंपरा चलते हुए आ रही है। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, कहते देखो अगर ये भक्ति करना चार संप्रदाय से, कोई एक संप्रदाय में दीक्षा मंत्र ग्रहण करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कहते अगर ये चार संप्रदाय छोड़ करके अगर और कहीं कोई मंत्र ग्रहण करे, शास्त्र कहता है मंत्र तो जब करोगे लेकिन मंत्र का कोई फल नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा। बोले क्यों नहीं मिलेगा? कारण क्या? बोले ये जो संप्रदाय ये भगवान से जुड़ा हुआ नहीं। जैसे देखो हमारी जो संप्रदाय ये कहाँ से आई, हम लोग कहाँ से जुड़े हुए? कहते सर्वप्रथम भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा हुई, ब्रह्मा को भगवान दिव्य मंत्र प्रदान किया, मंत्र से सृष्टि की, फिर जो मंत्र ब्रह्मा जी को ठाकुर दिए, ब्रह्मा जी उसी मंत्र फिर नारद को देते, फिर नारद जी अपना शिष्य व्यास को दिए, फिर व्यास जी उसको मध्वाचार्य को दिए, फिर मध्वाचार्य लक्ष्मी तीर्थ को दिए। कभी ये सत्य युग से ये शिष्य परंपरा में ये मंत्र आ रहा है। अगर ये मंत्र को भाई जब करेंगे ना, वो सीधा भगवान के पास में सीधा जाएगा। क्यों? वो सत्य युग से शुद्ध वैष्णव परंपरा से ये मंत्र जगत में आया है। इसलिए नियम है वैष्णव संप्रदाय में ही भक्ति मंत्र ग्रहण करके भगवान की भजन करनी चाहिए। और जो वैष्णव संप्रदाय में देखो ये ठाकुर को पूजा है, ऐसे नहीं ये लोग निराकार कहीं नहीं मानते। वैष्णव संप्रदाय भगवान को कहीं कोई भी निराकार मानने वाले नहीं, सब जगह में कहीं राम सीता की उपासना है, कभी लक्ष्मी नारायण की, नहीं तो कहीं राधा कृष्ण की, ये तीनों में कोई एक ठाकुर की पूजा है। गले में तुलसी कंठी तिलक और सबके सब, जैसे हम माला जप करते हैं ना, हम ये माला जप करते हैं, हर संप्रदाय में ये माला जरूर, ये माला को सबके सब, ये माला सबके सब जप करते हैं हर संप्रदाय में। इसलिए नियम है किसी शुद्ध वैष्णव परंपरा से ही हमें ग्रहण करनी चाहिए, मंत्र ग्रहण करनी चाहिए। हाँ देखो आपको एक छोटी सी कहानी सुना करके कथा को हम विश्राम देते और कीर्तन करेंगे, ठीक है? एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ये कथा सुनाने के बाद ना मैं आपको दो बार फिर पूछूंगा, जो नहीं बोल पाएगा बीच में उसको खड़े कर दूंगा। ऐसे ध्यान देकर सुना, जैसे ये कथा सुनाने के बाद ये कथा को मेरे को बच्चों पहले तुम दोनों को पहले पूछूंगा, ठीक है? और भैया जो पीछे बैठे हो ध्यान देकर सुने कथा को, ठीक है? पर एक समय कोई एक राजा था, कहते वो राजा के चार रानियां थी। कितना रानियां थी? जोर से बोलो बच्चों, चार। जो सबसे जो बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसको मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश करता था। अभी राजा की जो दूसरी नंबर की रानी वो सबसे सुंदरी, हर व्यक्ति चाहता ना मेरी बीवी सुंदरी हो, इसलिए राजा जब नगर घूमने जाता था उसको सुंदर कपड़ा गहना पहना करके अपना बाम तरफ में बैठा लेता था और नगर में घुमा घुमा कर सबको दिखाया करता था, देखो रानी मेरी कितने सुंदरी है। अभी राजा की जो तीसरी नंबर की रानी थी वो बड़ा मीठा मीठा बोली बोलती थी, हर व्यक्ति यही चाहते ना जब काम करते हुए घर में आओ मेरे पत्नी इतने मीठी मीठी बोली बोले, हमारे सारे परिश्रम जैसे दूर हो जाए। ऐसे नहीं पति आते ही सास के साथ में ही लड़ाई हुई, ननद के साथ में ये हो गया, देवर से पति को ऐसे बात नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है ना? पति आए तो इतने मीठी मीठी बोली बोलो जिसका दिल जैसे खुश हो जाए, इसलिए बड़ा बात वो बना बना करके मीठा मीठा बोली बोलते थे। और राजा अपना मन की बात और किसी को नहीं, ये तीसरी नंबर रानी को बोलता था।
राजा की जो 14 नंबर की रानी थी है तो बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी, लेकिन जब से उसको घर में शादी करके लाए उसको साथ में उसने कोई मतलब नहीं रखा। कभी पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल लिपस्टिक है कि नहीं, कभी उसको पूछता नहीं था। बेचारी बड़ी दुखी रहती थी, कहते शादी करके तो लाया लेकिन कभी मेरे को ध्यान नहीं दे रहा है, कभी पूछता भी नहीं। अभी राजा का अंतिम समय आ गया, मरने का समय आया, सोचा मेरे चार चार रानियां इनसे पूछ करके देखता हूँ कौन कहाँ का साथ देती है। सबसे बड़ी रानी की पहले नंबर आई, अब लोग बताओ तो सबसे बड़ी रानी कौन थी? अभी बोल, अभी मैंने बोला ना इतना जल्दी भूल गए कैसे भैया? बोलो हाँ, ध्यान देकर सुनो ना, क्योंकि यही भूल गए तो घर में जाकर के याद कर। देखो ये कथा को याद करना और घर में जाकर के सबको कथा सुनाना, ठीक है ना? सत्संग बोलेंगे ना, भैया सत्संग में गए थे क्या सुन करके आ गए, यही कहानी सुना देना, बात सुनकर चेतनता जग जाएगी। हैं फिर भक्ति क्यों करनी चाहिए, भक्ति हमें किस लिए करनी चाहिए, ये कथा में हमें बड़ी शिक्षा मिलेगी, ठीक है ना? बड़ी रानी कौन थी? जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और जिसको मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश रखता था। उसको पूछा तू मेरे साथ में चलोगी, लेकिन सबसे ज्यादा धोखे वही थे। बोले राजा तेरे साथ में एक कदम भी नहीं चल सकता। बोले क्यों? तू जिस समय जिस चीज की मांग करती थी मेरे को, भले ही चोरी डाकू करना क्यों नहीं पड़ जाए, तेरी इच्छा भी पूरी करता था। बोले तेरे कर्तव्य, बोले तेरी, बोले मेरी कोई कर्तव्य नहीं। राजा को तो बड़ा कष्ट मिला। अभी दूसरी नंबर की आई, दूसरी नंबर कौन थी? बोलो जोर से, सबसे सुंदर थी। राजा जिसको सजा धजा करके दुनिया को दिखाया करता था, देखो मेरी पत्नी कितने सुंदर है, उससे पूछा तू साथ में चलोगी? कहते मैं चलूंगी क्या, मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। सुनकर के राजा को प्यार होने से जमीन किसे दिया? बोले ये कह रही है कब मैं मरूंगी मरूंगा, ये दूसरे से शादी करने के लिए तैयारी कर रही है। बोले भैया दूसरे से क्यों शादी करोगे? बोले दुनिया को पहले तुमने देखा कर देखा मैं कितने सुंदर हूँ, इसलिए जहाँ जाऊंगी मेरे को वही पसंद कर लेगा, मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी। राजा को तो बड़ा आश्चर्य मिला। अभी तीसरी नंबर आई, तीसरी नंबर कौन थी? बोलो जोर से, मीठी मीठी बोली बोलती थी, जिसका राजा मन की बात सुनाया करता था, जिसको सुनकर अच्छी अच्छी बात सुनकर खुश होता था। बोले तू क्या करोगे? ये थोड़ी अच्छी निकली। बोले तेरे साथ में तो चलूंगी लेकिन ये दरवाजा तक चल सकती। बोले दरवाजा तक चलना कोई चलना कहते नहीं। बोले ज्यादा बोलोगे ना, दरवाजा से आगे चार कदम तक आगे बढ़ा सकते हो लेकिन तेरे साथ नहीं देखो। राजा बोले भैया तू भी किसी काम में नहीं, दरवाजे तो चलना थोड़ी चलना कहते। अभी चौथी नंबर ही आई, चौथी नंबर कौन थी? जोर से बोला। हाँ ये भैया ठीक से सुन रहे हैं, तुम लोग कोई उत्तर नहीं दे रहे। राजा जिसको कभी ध्यान नहीं देता था, कभी नहीं पूछता था तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, उसको जीवन में सबसे ज्यादा नफरत निकलेट करके रखा था। उस राजा पूछा इसको पूछूंगी नहीं पूछू, क्यों? जिसके लिए करोगे उसके लिए पूछ सकते हो, आज जिसके लिए करोगे नहीं तुम क्या पूछोगे? बोले जब रानी एक बार पूछ करके देख लेता, बोले तू चलोगी मेरे साथ? उसने बोले तेरे को शर्म नहीं लग रहा? तुम जब से शादी करके मेरे को लाए हो कभी तुमने पूछा तेरे पास में साड़ी साबुन है कि नहीं, और मरते समय दांत निकाल कर दे तो तुम चलोगे नहीं चलोगे? बोले देख राजा तेरे को मैं दिल से बहुत प्रेम करती, मैं तेरे साथ साथ चलूंगी, सुख में सुखी दुखी में दुखी रहूंगी। और देखा ना जिसको जितने को प्यार कर रही थी कौन कहां तक दिया, कोई साथ दिया कोई साथ नहीं दिया, सबके सब रुक गई वहीं पर, लेकिन तेरे साथ साथ चलूंगी, जा जिंदगी भर तेरे साथ में रहूंगी, बिना खाए तेरे को खिलाऊंगी। राजा को तो बड़ा आश्चर्य लगा, भैया जिनके लिए जिंदगी क्या दिया, कोई कर जाने के लिए तैयार नहीं, जिसको नहीं किया वही जाने के लिए तैयार है। हाँ देखो अच्छे तरह से ध्यान दे, अगर ये कथा को समझ जाओगे ना आज से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन, अच्छे तरह से मन लगा कर। कहते सबसे बड़ी रानी मतलब है अभी राजा और कोई नहीं, हम ही है, राजा हम ही है। सबसे बड़ी रानी मतलब जीवन में अभी हम जिसको सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, जिस चीज की वो मांग करे ना, भले ही हमें कुछ क्यों करना नहीं पड़ जाए, उसको ला करके देकर कुछ करते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आएगा वो हमारे साथ नहीं देने वाले। कहते वो कौन है जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हो? बताओ तो किसको प्रेम करते हो? बोलो जोर से, बोलो जोर से, किसको प्रेम करते हो ज्यादा? भैया लोग किसको प्रेम करते हो? बोलो
इसको ये आध्यात्मिक प्रश्न है, वो साधारण घर गृहस्थी प्रश्न नहीं, ये आध्यात्मिक प्रश्न। किसको प्रेम करते बोलो जब सब चुप हो गए। देखो अपनी आप को हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अपना शरीर को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। शास्त्र तो कहता है कि जगत में प्रेम नाम का कोई चीज है ही नहीं। जो प्रेम दिखता है ना, वो चूंकि तुमसे कुछ मिल रहा है इसलिए प्रेम दिख रहा है। पत्नी बोली कि नहीं पति मेरे को बड़ा प्रेम करता है, हैं? बोले इसलिए प्रेम करता है तेरे से चूंकि कुछ निकल रहा है। और पति 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 बोलेगा पत्नी मेरे को बड़ा प्रेम करती है। बोले क्यों करती है? चूंकि उसको खिलाते हो पिलाते हो साड़ी साबुन देते हो, नहीं देकर देख लो कितना प्रेम करती है। इसलिए ये जगत में जो प्रेम है ना, कहते ये प्रेम है नहीं जगत में, यहाँ पर केवल स्वार्थ है। कहते आप कैसे हो? बोले जब तक जेब में पैसा हो, पैसा गन तुमको, इसलिए जगत में प्रेम नहीं। तो फिर प्रेम किसको करते? अपने आप को प्रेम करते हैं, अपना शरीर को जो इतना ख्याल रखे, जो जितने हमें प्यार दे उसको ही हम ज्यादा प्रेम करते हैं। शरीर को प्रति शरीर के कहते देखो ऐसे साड़ी पहनना चाहते बोले चलो दुकान से खरीद करा के लाए, बोले चबन प्रास खाना चाहते बोले चलो खिला के लाए, बोले ब्यूटी पार्लर लाने में सजना चाहते बोले सजा कर खिलाएंगे, हैं? इसलिए बोले जिम जाना चाहता बोले जिम चल ले जाएंगे। ये शरीर को देते हैं, लेकिन अंतिम समय में पूछा शरीर को साथ में चलोगे? शरीर चलेगा? कहते जब हंस अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। शरीर से जब परमात्मा चली जाए, शरीर जहाँ के तहाँ वही रह जाएगा। इसलिए कहते भैया एक कदम में नहीं चलूंगी। अभी दूसरी नंबर आई, कौन दूसरी नंबर? जो सबसे सुंदर है जिस राजा जिसको दुनिया को दिखाया, वो कहती है मरने पर मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले सबसे सुंदरी कौन है? कहते बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, बोले सबसे बड़ा रुपया, क्योंकि पैसा के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। पैसा रहेगा बढ़िया गाड़ी वाड़ी घूमेंगे, बढ़िया बंगला बनाएंगे, बढ़िया कपड़ा गाड़ी में घूमेंगे, हैं दिखाएंगे, लेकिन पैसा को पूछो अंतिम समय में पैसे जाएगा नहीं। भैया मैं दूसरे से शादी करूंगी, मतलब क्या है? शरीर छूटते ही पैसा दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। बताओ बच्चों को कहाँ नजर रहता है? कितना बैंक बैलेंस पिताजी, कितने कोठी, कितने दुकान वकान, सब वही नजर रहता है ना। इसलिए हमारा मैं तो अपना गाँव में देखा, हमारे गाँव में जो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था उसको 3-4 बच्चे थे। जब उसका शरीर छूट गया ना, सब बच्चे डंडा लेकर गए। बोले पिताजी का लाश तभी उठेगा जब पहले बंटवारा हो जाए, क्योंकि इसको भाग्य में थोड़ा ज्यादा मुझे कम था, कुछ कम ज्यादा था। बोले ये शरीर को हाथ नहीं लगा सकता, जो उठाएगा जिसको कम हिस्सा था ना, बोले डंडा फोड़ दूंगा सर को, पहले पैसे पहले हिसाब किताब हो जाए फिर शरीर उठेगा, है? इसलिए कहते दूसरों के साथ में शादी हो जाएगी, दूसरे नाम पर। इसलिए कहते मैं तो दूसरी को पास में चली जाए। तुम्हें तीसरी नंबर जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, बोले कौन? बोले परिवार वाले बैठ करके सुख दुख की बात करते हैं। पहला नंबर पत्नी की आई, बोले चलोगी? बोले चलोगी लेकिन दरवाजे तक चलूंगी। पत्नी कहाँ तक चलेगी? पति के साथ में कहाँ तक चलेगी? दरवाजे तक। बोले ज्यादा ज्यादा बोलोगे तो 4 कदम बढ़ूंगी लेकिन साथ नहीं चलूंगी। परिवार वाले बोले तेरे लिए अर्थी सजा करके राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे, बस फूंक करके स्मशान में टाटा करते करते घर में वापस। अभी ध्यान देकर सुना, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा निगलेट करके रखा, ये बेकार, ये किसी काम की नहीं, लेकिन जब अंतिम समय आया ना, वही कहती है तेरे साथ में चलूंगी, सुख में सुखी दुख में दुखी बन। जीवन में किसको हम सबसे ज्यादा निगलेट करके नफरत करके रखे, लेकिन वही काम में आने वाले। कहती भगवान के भजन को, भगवान का नाम को, अगर बोले भैया थोड़ा ठाकुर का नाम जप कर, बोले जिसका कोई काम धाम नहीं ना, वही सब लेकर माला हरे कृष्ण करते। हमारे बहुत सारे काम है, गप्पे मारना, भूखा फूकना, ताश खेलना, खेलना घूमना, टीवी देखना, स्मार्टफोन देखना, हमारे बहुत सारे काम है। हमारे पास में कोई समय नहीं, हमारे पास में भजने के लिए कोई समय नहीं, हमारे बहुत सारे काम है, हैं? लेकिन अंतिम समय आएगा तो कौन काम में आएगा? जिसको तुमने नेगलेक्ट कर रखे हो। इसलिए जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, वो जो व्यक्ति ऊपर लेटा हुआ रहता है ना, उसको ही सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। इसको सुनाते बेटा तेरे साथ में एक सुई धागा भी नहीं जा रही है। जिसको साथ फिर लगाकर शादी किया ना, वो दरवाजे तक आएगी। जो परिवार जिसको कह रहे हो स्मशान तक जाएंगे, उसको आगे तुम्हारी कोई भी काम में आने वाले नहीं।
काम में क्या आएगा, जितने राम और कृष्ण का नाम लिया है केवल वही सच्चा है, सब कोई बात झूठा है। इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम तन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदा गुरु, कृपा करे अपना पायो जी मैंने राम रतन। मीरा क्या कहती है, बोले जीवन में तुम्हें मिला क्या है, पायो जी मैंने मैंने मेरे को मिला, बोले क्या मिला तेरे को जीवन में, राम रतन धन, जितने राम और कृष्ण का नाम लिया वही मिला और जगह में सभी खुवाए संसार में सब। ये जो हरे मतलब होता है इसको जपने से करने से कितना दुख कष्ट सब खत्म हो जाता है, इसलिए उनका नाम हरि से हरे। कृष्ण मतलब क्या, हमारे मन चंचल है, भटकता ही मन है, मन में शांति सुख नहीं है, इसलिए कृष्ण बोलोगे ये भटकता हुआ मन तुम्हारे भटकता है। राम मतलब क्या, जीवन में हमें आराम देने वाला, जीवन में ये आराम देगा। अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करोगे ना, हरे मतलब दुख कष्ट दूर जाएगा, कृष्ण मतलब चंचल मन भटकेगा नहीं है, कहते राम मतलब जीवन में आराम शांति सुख मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए देख लो कैसे हरि नाम करोगे, माला को देख लो ये माला है, है? इसलिए चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो, एक दिन चैतन्य महाप्रभु भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु हमारे घर में आपका भोजन है, भगवान बोले देखो सबके घर में मैं भोजन नहीं करता हूँ, बोले किसको घर में करोगे, बोले जो लखपति बनेगा। और आज से 5.5 साल पहले लखपति मतलब जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मुद्रा होगा, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं, कहते 1 लाख फिर हमारे घर में भोजन नहीं करोगे, देखो भगवान क्या बोले, बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले कौन, बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर का नाम जपते थे। इसलिए मीरा की दूसरी भजन है, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हो गई, और माया के जो बने पुजारी आखिर हो कंगाल हुई। देखो देख लो लखपति कैसे बनोगे, जैसे ये माला है ना, ये माला में ये अंगुलू का हम इसमें नहीं लगाते, ये मंगुलू अंगुलू का इसे बाहर निकाल के रखते हैं, जैसे हरे कृष्ण सब मेरे साथ में बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बात सर्दिया ठीक है, हरे कृष्ण बैंक में ना जब कापी खोलेगा वही निकलेगा, ए मालाई माल तुम्हारे पास में। इसलिए कबीर कहते हैं जगत में मरने में सब जग डरे, जगत में सब मरने के लिए डरते हैं लेकिन मैं खुश हूँ। किसने पूछा भैया तू खुश क्यों, कबीर कहता है मैं जिंदगी प्रभु का नाम जगत है, किसी तरह से तुम्हारी घर से दुख कष्ट जा ही नहीं रहे, एक बात में एक बात तुम आप देखोगे जब भगवान के नाम जब करोगे ना अपने आप सब दुख कष्ट घर से, अपने आप जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनको बोलो एक ये माला जप करें, देखना उनको अपने आप पढ़ाए उनकी अपने आप पढ़ाए, इसलिए वो हरिनाम करना परिवार को पूरा हरिनाम करो, ही प्यार नहीं होनी चाहिए हैं। अब सुदामा जी का नाम सुने हो, कौन कौन सुदामा जी का नाम जानते हो, हाथ उठाओ तो आपको अगर पैसा देना चाहे तो लक्ष्मी भगवान की, जब लक्ष्मी ठाकुर को सेवा में लगेगी तब तक घर में लक्ष्मी आएगी ना, हम जो कुछ खाना बनाते हैं पैसा से खरीदी करते हैं ना, लेकिन वो जब ठाकुर को सेवा में लग जाएगा, हमारे ठाकुर की सेवा में लग गया, लक्ष्मी ठाकुर को सेवा में लग गया ठीक है। कोशिश करना प्याज लहसुन को धीरे 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 खत्म करने धीरे धीरे, क्योंकि अगर प्याज लहसुन नहीं खाओगे तो हर चीज ठाकुर को भोग लगाकर भी ठाकुर जी को खा सकते ठीक है। और गले में तुलसी कंठी हम देते हैं लेकिन जो प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, क्योंकि जो तुलसी है ना ये साक्षात लक्ष्मी है, तुलसी में भगवान का निवास है, जिसके गले में तुलसी कंठी है कहते पृथ्वी का सारे तीर्थ उसी गले में बैठते हैं है? इसलिए तभी ये तुलसी कंठी देते हैं जब प्याज लहसुन को इधर छोड़ देते हैं, इधर तो मांस मछली नहीं खाते, मांस मछली अंडा नहीं खाते,
इसलिए केवल एक चीज है प्याज लहसुन। ये जो प्याज लहसुन भागवत पढ़ने देखोगे भगवान जो सुदर्शन चक्र से राक्षस का गला काट दिया, जहाँ पर उसको मांस गिरफड़ा हुई प्याज का पौधा, जहाँ पर उसको हड्डी गिरा हुआ लहसुन की पौधा है। इसलिए ये चीज, इसलिए नवरात्रि आने पर 9 दिन तक ये चीज को कोई ग्रहण नहीं करते हैं। इसी कारण से राक्षस की मांस से, कहीं कहीं पर बताया तो गैया की मांस से ये प्याज बना है। इसलिए कोशिश करना धीरे धीरे इसको छोड़ करके भगवान को भोग लगा कर खाओ। देखो ये लोग जो कुछ खाते हैं भगवान की लग देख लगाते हैं। पुलिस की नौकरी कौन सा काम करते हो भैया? पुलिस में हो, देखो तब तक गले में तुलसी कंठी तिलक लगाए ठाकुर के नाम जप करते हैं। अब परिवार यहाँ पर बैठे, अब परिवार से कोई बैठे यहाँ पर, यहाँ पर अकेले रहते हैं। और देखो प्रभु जी अकेले रहते हैं और कोशिश करते हैं उनको जो रस मिला है वो चाहते सबको भी ये रस। इसलिए सब जगह पर इन्हें महामंत्र नाम लिखवाया, सब जगह पर भगवान का नाम कुछ लिखवाया, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं आपका जो कि गांव का नाम क्या है, किशनपुर, 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 कृष्णपुर है, किशन किशन कह तो कृष्णपुर है ना। देखो कितना नाम बढ़िया नाम है, मैं ठाकुर का नाम पर तुम्हारी गांव है और तुम लोग गोपियाँ सब के सब कृष्ण की गोपी हो है। प्रभु जी कह रहे हैं भगवान कृष्ण यहीं पर आ रहे थे, यज्ञ किया और ये गांव को भगवान कृष्ण ने बैठे हैं। सब ताली बजाओ तुम लोग भी आपने भगवान कृष्ण का गांव, और इनके लिए भी ताली बजाओ। प्रभु जी ने सब भक्तों को ला करके आपको सुजोग प्रदान किया है, ठीक है ना। और एक समय प्रोग्राम चाहेंगे गाँव के कोई मुखिया है, गाँव के यहाँ कोई मुखिया है यहाँ पर, गाँव कोई नहीं है ये गांव में, कोई भगवान का कोई मंदिर ठाकुर का कोई मंदिर है कि नहीं गांव में? कौन सा मंदिर है बोलो? मंदिर है गिरी संप्रदाय की सेवा होती है, गिरी संप्रदाय वहाँ पर। बड़ा मंदिर है छोटा मंदिर है? कितना लोग बैठ सकते हैं, कितना लोग आ सकते हैं? सौ हजार से लोग आ जाए, कितने लोग आएंगे? कितना बड़ा मंदिर, इससे थोड़ा बड़ा, इससे बड़ा है। देखो एक समय आप लोग कोशिश करो गाँव में ना भागवत कथा रखवाने के लिए, जैसे हम बड़ोदे से आए ना, पूरा बड़ोदवासी सब जैसे भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, ये लोग सब वहीं से आए बड़ोदे से, सब घर घर में प्रभु का नाम भक्ति पूजा हो रही थी। इसलिए हम लोग एक समय ना जितने माता है यहाँ पर कोई मुखिया है कि नहीं माता है? हम लोग यही लोग मुखिया है, घर का मालिक तो तुम ही हो, मालिका नहीं तुम हो। एक समय कोशिश करना सब भक्तों को लेकर के गाँव में एक समय भागवत कथा रखवाओ, ठीक है? ठीक है भैया लोग जो बैठे हो, जो भैया लोग बैठे हो सब कोशिश करना, तुम लोग सब कोशिश करना। अगर 7 दिन कथा होगी ना, देखना तुम्हारे जो गांव है एकदम सचमुच से, जो अभी कृष्णपुर है गांव, गांव में घर घर में कीर्तन होगा, घर घर में प्रभु का नाम जप करेंगे, हैं तुम्हारी गाँव वृंदावन का धाम बन जाएगा, वृंदावन धाम बन जाएगा तुम्हारे गाँव, ठीक है। तुम लोग सब प्रभु जी को मदद करना, प्रभु जी आप कोशिश करना गांव वालों को देने के। हरे कृष्ण, आपके गांव किशनपुर और पास में बिराल है जो कि बलराम जी ने बसाया, तो यहाँ कृष्ण जी का ये गांव और पड़ोस में बिराल बलराम जी ने बसाया, इसीलिए आप सबके यहाँ पर देखो हमारे महाराज जी ने यहाँ पहली बार जब कथा करते हैं बड़ी सरल सरल बातें बताते हैं, लेकिन बड़ी बुरिया गोपनीय बातें भी यहाँ प्रकाशित हुई। कारण उसका यही है क्योंकि आप सब भक्तिमान हैं, और दूसरा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कई यज्ञ किए, उस जगह का नाम है रामताला, और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का बहुत पौराणिक विग्रह है और वहाँ पर संत लोग बड़ी सुंदर सेवा कर रहे हैं। अभी पिछले 21 अगस्त में एक बहुत बड़ा महासंकीर्तन कराने के लिए हमारे उपदेश शर्मा जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बहुत तीव्र मूसलाधार वर्षा होने के कारण प्रोग्राम स्थगित करना पड़ा। इनकी पुनः इच्छा है कि यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन हो,
हम सब आप सब मिलकर के पूरे गांव का परिक्रमा करते हुए रामताल में जो भगवान का मंदिर है वहां पर पहुंचे और सुंदर भंडारा हो, उसके लिए दिनांक इन्होंने नियुक्त किया है 31 अक्टूबर। तो उसमें आप सबसे निवेदन है आप कृपा करके पधारें। प्रभु जी यहीं से शुरू होगा प्रारंभ, कहाँ से शुरू होगा जी? यहीं से इसी स्थान से हम परिक्रमा प्रारंभ करेंगे 31 अक्टूबर में। कार्तिक आप लोग कौन यहाँ संकीर्तन करते हैं? आप लोग आ जाएंगे? कार्तिक पड़ेगा 19 अक्टूबर से कार्तिक है। कौन कीर्तन करेगा? कार्तिक में हम लोग ज्यादातर वृंदावन रहते हैं, लेकिन जो बड़ौद के भक्त यहाँ होंगे वो कृपा करके जरूर आइएगा और इस उत्सव को महोत्सव बनाइएगा, ठीक है? उसके बाद भंडारा होगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। माला माला कौन कौन जप करेगा? हाथ उठाओ तो माता जी। नहीं तुलसी नहीं, तुलसी का मतलब। और कौन लेगा? इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। लेकिन इतना माला है ही नहीं प्रभु जी। जल 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 जो जल्दी आए बच्चों, जिसको लिए माला नहीं मिलेगा ना प्रभु जी, मैं इनके लिए भेज दूंगा, ठीक है प्रभु जी? मैं आपको माला वहाँ से भेज दूंगा। भैया तुम लोग लो इधर। जी तुम रहते हो? हाँ ठीक है, ठीक है। तुम प्रभु जी मैं इन बच्चों के लिए माता के लिए देखो माता जी सुना इधर माता जी, मैं आपके लिए माता जी को पहचान लूँ, मैं जानते हो माता जी? माता जी मैं इनको पास में माला भेज दूंगा, ठीक है? मेरे को पता नहीं था आप लोग इतना भक्त लोग मिलोगे, मेरे को पता नहीं था, मैं माला में लेकर के आता, ठीक है? मैं भेज दूंगा, आप लोग आ करके ना बड़ौदी आ जाओ। अभी गाड़ी तो जा रही है, गाड़ी जाएगी कल शाम दे लेंगे मेरे यही। सुना इधर माताओं, कल शाम का आकर के मैं यहाँ भेज दूंगा, मैं माला भेज दूंगा, आप लोग कल शाम को आकर के यहीं चले जाओ, ठीक है? सब यहीं से आकर माला। सो आसपास में रहते हो ना? आसपास में तो रह रहे हो ना? कहाँ रहते हो? आसपास में ना, इसलिए कल आकर के प्रभु जी शाम को प्रभु जी ले आएंगे, मैं आप सभी के लिए माला भेज दूंगा, आप लोग माला लेना। जो भैया लोग मुझे बैठे हो भैया आपको दे दिया माला? भैया नहीं दिया, कल ले लेना, ठीक है? अब जो पीछे लोग बैठे हो भैया आप लोग सब माला आकर के ले जाना, ठीक है? सबके सब माला ले लो, इससे शांति सुख मिलेगा। दुनिया में और कोई चीज नहीं जो हमें जीवन में शांति और सुख दे सकता है, भगवान का नाम से ही हमें जीवन में शांति सुख ठाकुर का नाम से मिलने वाले, ठीक है? एक भजन भैया, तुमने भजन नहीं गाई? हाँ वहाँ पर जो गाया था उसको गाते भजन का जरूरत है। अरे हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्ण। आप क्या कर रहे हो? बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। बोलो राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। हो मेरे उठे, हो मेरे उठे, हो मेरे उठे वीर की वीर सखी। वृंदावन जाऊंगी, वीर की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
जाऊंगी।
एक बार सोचते खड़े हो जा सकते हरे कृष्णा। देखो भगवान का कीर्तन में जो एक बार नाच लेना उसको 84 लाख मजूरी नाचना खत्म हो जाती है। इसलिए सबके से अगर हाथ उठा लो, सबके से अगर हाथ उठा करके मेरे साथ में शरीर को थोड़ा हिलाते हुए, ठीक है ना, शरीर को थोड़ा हिलाते हुए ठाकुर का कीर्तन करना। बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्लोक है। कहते ध्रुव जन्म भाजो, ध्रुव मतलब होता है ठीक का। शास्त्र कहता है जो पेड़ है ना, इस पेड़ क्यों जन्म हुए? भागवत कहता है भगवान इनको तो इंसान जीवन दिया, लेकिन ये इंसान जीवन पाकर क्या किया? जब डिस्को डांस लगता ना शादी में, दारू पी पी करके खूब शादी में तो नाचे ही नहीं, लेकिन जब ठाकुर का कीर्तन हुई ना, वो पेड़ जैसे खड़े रहे। भागवत प्रथम स्कंद में कह रहे हैं ये पेड़ जैसे एक जगह पर खड़े रहे। भगवान बोले मेरे कीर्तन में नाचा नहीं ना, अगले जीवन में पेड़ जन्म दे दूंगा, एक जगह पर खड़े रहे। इसलिए अगर प्रभु का कीर्तन में नहीं नाचोगे ना, फिर तो सांस को सामने नाचोगे, मेरे बहू को सामने नाचोगे, नहीं तो बच्चों को सामने नाचोगे, और ठाकुर के सामने नाचोगे तो ये 84 लाख जो है नाचना खत्म हो जाएगा। ठीक है, सब उसको हाथ उठा उठाओ। द्रौपदी जब तक हाथ नहीं उठाए कन्या वस्त्र नहीं दिए, हाथ उठाओ, नहीं तो अगले जीवन में हाथ नहीं देंगे ठाकुर। मेरे साथ में साथ शरीर हिलाती है, बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि 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 बोल प्रणिताई गौर हरि 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 बोल 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 ह
हरिवार सबके सब नाचे नहीं एक बार सबके सब हरिवार जोर से छत्ती रख देते हैं हरे बोल हरे कृष्ण हम भी नीचे आते हैं थोड़ा सा हरे कृष्णा हरे बार सब ठीक है बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल Hey, yo!